अभी मैं मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम और नमस्ते भाई। आज हम खरकड़ा में बैठे हैं और मैं विधानसभा क्षेत्र का गांव है खरकड़ा रोहतक जिले का, और हमारे साथ सोनू किन्नर जी जुड़ गए हैं। इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है। लोकसभा का इलेक्शन सर पे है और इस इलेक्शन की मारामारी चल रही है। सब तो टिकट चाहे हैं और सब जीत चाहे हैं। ऐसे ही सोनू किन्नर भी फाइट में आना चाहे है। सोनू किन्नर की भी एक इच्छा है, एक तमन्ना है कि वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, और सांसद में जब काम नहीं बनया तो मैं विधानसभा क्षेत्र से या फिर कलानौर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक का भी इलेक्शन लड़ेंगे, एमएलए का इलेक्शन भी लड़ेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, ठीक हो? हाँ बढ़िया सर। हमारे दर्शकों भी नमस्ते कर दो। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। अच्छा, आप एकदम से कहाँ से आ गए कि आप इलेक्शन लड़ोगे? मैं तो यही रहते हूँ गाँव में, घर पे। नहीं, लोगों को नहीं मालूम कि आपको इलेक्शन नहीं? मैंने तो पहले वाला भी इलेक्शन फाइट किया था 2018 में, विधानसभा में एमसीए भी लड़ा था, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी की कैंडिडेट थे। कितने वोट आए थे आपको? वोट तो थोड़े आए थे, फिर ये गांव थोड़े भी कितने, 10, 20, 100, 200, 2000, 5000 कितने? 39 के करीब थे। 39 यस। फिर ये गाँव का शमशेर खरकड़ा जी उठ रहे थे ना, तो भाई गांव वाले बोले कि आप ये एमएलए बन जाएगा, आप इनको सपोर्ट कर दे। तो मैंने फिर इनको सपोर्ट कर दिया था, भाई ये बन जाएंगे तो गांव का कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ तो वो तो रोजगार मिल जाएगा। अब की बार फिर तैयारी में है। शमशेर खरकड़ा जी की वाइफ जो है वो राधा अलावत जी, तो वो भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, तो अब की बार फिर सपोर्ट करना पड़ेगा अपना तो ये? नहीं जी, अब की बार मैं सपोर्ट नहीं करूं। बीजेपी ने आज तक 4 बार ये इलेक्शन फाइट कर चुके, लेकिन मेरे गांव के या बड़म्बा मेरे महमल के किसी भी बच्चे को न तो रोजगार मिला है। जिताया ही नहीं, जीतेगा तो रोजगार देंगे। रोजगार जिताया क्यों नहीं, गांव ने तो साथ दिया है, लेकिन जीता नहीं, जीता को नहीं। लेकिन बाहर का जो कुंडू है, बलराज कुंडू जी विधायक बन गए, वो बाहर के होते हुए उन्हें मैं मलके में सोशल वर्क किया, बाहर के से आकर मैम के लोगों का दिल जीता। कुंडू को सपोर्ट कर दो, मैम के लोगों का दिल जीतना बहुत बड़ी बात। तो आपका भी दिल जीता होगा। तो देखो, उन्हें स्कूल के बसें लगाई है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बस लगा रखी, पूरे हल्के में रोहतक जिले में लगा रखी है जी। और बहन बेटियों की शादी में भी जाता है, जैसा उसका ब्योत। इसका मतलब तो मैंने ऐसा लगे कि आप बलराज कुंडू की भाषा बोलो ना करे हो, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, बलराज कुंडू को मैं सपोर्ट नहीं कर। अभी तो आप उनको इतना प्रेम दे रहे थे। देखो, उन्होंने सोशल वर्क किया है मैम, हल्के की जनता ने पता है ये भाई बीजेपी का राज है, सेंटर में भी हरियाणा में भी, जब न तो बच्चों को रोजगार मिल रहा है, अरे न ये एजुकेशन में कोई तरक्की हो रही, न कोई यूनिवर्सिटी बनी आज तक देश में। नहीं, अब फिर वो फाइट में है, अब वो इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं मैम से, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। यस, तो अब बलराज कुंडू ने पार्टी बना ली, बहुत अच्छा है, वो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मन्ना तो इलेक्शन लड़ना है, मेरी 2-3 पार्टियों से बात भी चल रही है। किस पार्टी से आपकी बात? बीएसपी से चल रही है, बहुजन समाज पार्टी से। यस, कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकूं हूं। कांग्रेस से आपको टिकट तो नहीं मिलेगी, फिर ज्वाइन कर कर लोगी? लेकिन हाँ, मेरी बात हुई है शैलजा जी से, कुमारी शैलजा जो केंद्रीय मंत्री थी पहले, उनसे भी मेरी बात हुई है। आप क्या कहना चाहो, आप कांग्रेस ज्वाइन करोगी तो आपको टिकट का तो कहाँ टिकट देगा? कांग्रेस में तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी, मैम से भी नहीं मिला ना, कलानौर कहीं से भी नहीं मिला, कहीं से भी नहीं। तो फिर आपने ज्वाइन करनी, आप उनके कार्यकर्ता बन जाओगे बस, इलेक्शन नहीं लड़ोगे? फिर इलेक्शन लड़ूंगी, चाहे मैंने बीएसपी ज्वाइन करना चाहते हूँ मैं। आप एक जगह जमो, आप कांग्रेस में जाने वाले हो या फिर आप बीएसपी में जाने वाले हो, या कुंडू को इतना प्रेम दिखाने लग रहे हो? देखो, कुंडू ने अच्छा काम किया है, उसने भाई आपका किया है, उसको लोगों ने उसका प्यार दिया है, यहाँ की जनता के को उसने दुख सुख में साथ रहता है वो। मुझे लग रहा है आप कुंडू की पार्टी हो। नहीं नहीं, मैं कुंडू की पार्टी नहीं हूँ। कुंडू ने यहाँ देखो, वो बीजेपी से टिकट मिला था, उनने फिर भी उनको टिकट नहीं मिलने दिया,
बीजेपी के उनने बीजेपी के मारेगा माले ने मिल गया था टिकट, लेकिन कुंडू ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसकी बड़ाई इसलिए करूं हूं जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा है। यहां मैं एक बार और आपको टोकूंगा, आपके गांव का है शमशेर खरकड़ा जी, और कई हार का मुंह देखा है उन्होंने, और एक लास्ट मेरे ख्याल अवसर है उनको, उनके पास मतलब करो या मरो का, करो या मरो का मौका है, और इस खास करो या मरो के मौके पे, इस अवसर पे जब उनके पास में लगा है भाई वो इस बार उनकी वाइफ जो है वो विधायक बन जाओगी, तो अब आप गांव की गांव में उनकी टांग खींचने का काम कर रहे हो। मैं टांग खींचने का काम नहीं कर रही, लेकिन आज तक भी बीजेपी के जो ये है नेता है मेरे गांव के रामचंद्र जांगड़ा ने देख लियो, वो बड़म्बा गांव गोद ले रख्या से, इतने बड़ी राज्यसभा सांसद होते हुए पूरे 24 मैम 24 के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब पर लगवा सकता है, लेकिन आज तक एक बालक भी लगवाया हो अपने मैम 24 में, तो मैं मानू ले भाई इनने किसी बच्चे की जिंदगी बनवा दी है। हेल्थ में देख लियो डॉक्टर नहीं हॉस्पिटलों में है, और ना गलियों में देख लियो, गलियों में ना तो पानी की सुविधा, और गलियों में कीचड़ रहता सारे, ये मारी गली देख लियो 6-7 साल तुम्हारा झगड़ा चलिया उस गली पे, मेरे चाचा के आड़ गाँव में ही चोट लगी थी मेरी आंटी का, और उसका कोई समाधान नहीं हुआ उस गली का तक भी, न पानी की सुविधा, ये गाँव में जाकर देखो डग्गी में पानी इतना गंदा पानी है बहुत ज्यादा, और बीमारियों को न्योता देने लग रही है, और 4-4, 5-5 दिन में पानी आता। चलो एक बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि आपको टिकट मिल गया, मान लो बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट मिल गया, तो क्या लग रहा है आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अगर लड़ोगे तो आपको कितनी वोट? अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगे तो मैं गणे नहीं कहते 25-30 हजार वोट मेरी कहीं नहीं जा, 25-30 लोकसभा की बात सर, 25-30 हजार वोट ले लोगे आप? क्यों नहीं लेकिन ले? जानता तो मैं भी नहीं जानता आपको, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानू थे, मैं रहूं तो यही हूँ अभी 3-4 साल से, मैं बाहर किन्नरों में रहने लगी, पहले तो मैं यही रहा करते, मेरी मैम अकेडमी गुरु अकेडमी चलाई मैंने 10 साल बच्चों को फ्री कोचिंग। ये खरकड़ा गांव है? यस मेरा यही गांव है, सब जानते हैं आस पड़ोस के गांव मानो मुझे। अच्छा फिर वोट मांगने जा रहे हो, मान लो आपको टिकट मिल गया और आप वोट के लिए गए हो, बधाई के लिए नहीं जी, यस यस वोट के लिए गए हो, सामने कोई खड़े हैं 4 आदमी खड़े हैं वोटर्स आपके, वोटर आपको कैसे वोट मांगोगे उनसे? प्लीज उनसे सोचो आप वो सामने खड़े हैं और मांग के दिखाओ, रिक्वेस्ट करूंगी अंकल जी अपना कीमती वोट दे के हमें वो करियो, हमें अपना कीमती वोट देना ताकि हमें आपके बच्चों के लिए अच्छे वो कर सके, अगर कुछ बन गए ना तो किसी बच्चे को एजुकेशन के बिना नहीं रहने दूंगी, जैसे सरकार ने 18% वो लगा दिया GST लगा दिया एजुकेशन पे, बच्चा गरीब स्कूलों में जाओ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कोई टीचर होते हुए भी क्लास नहीं लेते। अच्छा मैं आपसे यहाँ एक बात और पूछूंगा, जो अब जैसे राज्यसभा का जो इलेक्शन चल रहा है, जितने भी लोग फाइट में हैं, टिकट की फाइट में हैं या इलेक्शन की फाइट में हैं, तो वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए बैठे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करने लग रहे हैं, रैलियां निकालने लग रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा में गुड़गांव में आए हुए थे, और भी बड़े नेता पूरा जोर लगा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बांध लाग रहे हैं, आपने तो 5 रुपए की चाय तक नहीं पिलाई किसी को, तो कौन वोट करेगा? देखो ये बीजेपी वाले ने देश का कांग्रेस वाले भी लगाने लग रहे, कांग्रेस वाले भी लगाने लग रहे, बीजेपी ने देख लो 2 योजना होगी सरकार बनते न, आज न तो किसान सुरक्षित है, ये पीछे 13 महीने किसान धरने पर बैठे रहे थे, 700-800 किसानों ने अपनी शहादत दी, किसानों को अपने फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, वो अपने हक अधिकार के लिए बैठे, कदे तो उनको सिक्कों को तैयार तक ये खालिस्तानी बता रहे हैं, जाटों को उपद्रवी बता रहे, आदिवासियों को ये वो बता रहे कि भाई ये दंगा भड़काते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए नक्सलवादी बता रहे, आदिवासियों को नक्सलवादी बता रहे से, और ऐसे ही दलितों के साथ व्यवहार करने लग रहे से, मतलब किसान का मेरा वर्ग सुरक्षित नहीं, आप ये कह रहे हो? यस, न तो किसान सुरक्षित है, न कमेरा वर्ग सुरक्षित है, न देश में बेटियां सुरक्षित है, अभी रामपुर में एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट की पुलिस के नियत
पुलिस के लोगों ने निहत्थे बच्चे पर गोलियां चला दी, उसकी हत्या कर दी। अभी कानपुर में दो सगी बहनों के साथ ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर की बेटियों के साथ मालिक ने वो गैंग रेप कर उनको जिंदा पेट पर लटका दिया, फांसी लगा दी उनका। अरे ऐसे ही एक डॉक्टरी तो प्रोफेसर है, वो बैठी है दो से दिन से धरने पर बैठी है दिल्ली में DU गेट 4 पर आर्ट फैकल्टी के पास, उनको नौकरी से हटा रखा है। न तो आज बेटियां सुरक्षित से, ना सेना का जवान सुरक्षित से। सरकार बनते ही BJP के राज में इलेक्शन आनो है, जब 44 देश के शहीद जवान शहीद हो गए, पुलवामा हमला करवा दिया, उसके 300 RDX लेकर बॉर्डर क्रॉस कर गए वह बंदे, उनका नू नी भेद लगाया आज तक सरकार ने कि भाई ये कहाँ से आए, किसका इस्मात है, हैं सब ने पता है। अरे ये हेमलता बैरवा है टीचर, 26 जनवरी को वहाँ राजस्थान के बारा जिले की घटना, उसको सस्पेंड कर दिया। एक पूजा बुंकर है, जाट लड़की टीचर है, उनको सस्पेंड कर दिया राजस्थान में, उसके हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया। एक ललित रेगर है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया सरकार के। एक बात बताओ, आप किन्नर हो? यस। एक किन्नर समाज जो है, क्या वो आपके सपोर्ट में है? आपकी उनसे बात हुई है? यस, मेरी किन्नरों से बात हुई है और मैं सब किन्नरों से भी मिलूंगी। टिकट लाने से पहले हम प्रोग्राम भी रखेंगे, एक किन्नरों को इनवाइट भी करेंगे। जी, तो आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन और बता दे रहे, मैं आपसे आखिरी सवाल और करना चाहूंगा कि कैसे आप जागरूक कर पाओगे लोगों को? आप मतलब डोर टू डोर करोगे, आप कोई सभा करोगे, कोई रैली निकालोगे कि लोगों को पता तो चले कि भाई कोई सोनू किन्नर है जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है? यस, हम डोर टू डोर भी करेंगे और रैली भी करेंगे ताकि लोगों को पता चले। और ये सोशल मीडिया पे भी तो आज हर जो खबर चलती है देश में उससे पता चल जाता भाई देश में। लेकिन लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो तो बिकाऊ है, नहीं, तो पैसे लेके काम कर रही है। वो मोदी मीडिया है जो मोदी का, वो जो बड़े चैनल है वो नहीं दिखाते देश में क्या अच्छा, किसी बेटी की इज्जत तार तार हो रही है वो नहीं दिखाते, किसी किसान ने सुसाइड कर लिया वो नहीं दिखाते, ही वे 3-4 किसानों पर गोली चला दी है, 22 साल का लड़का, एक के लड़का था, 2 बहन थी, वो एक लड़का की हत्या कर दी पुलिस ने गोली मार कही भी है। देश में आए दिन ऐसी घटनाएं घटन लग रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं। वो तो सब ना बेरा जी, आप बस ये बताओ कि आप अब कब प्रचार में लगने वाले हैं? मैं जल्दी ये प्रचार में लगूंगी, 2-4 दिन के लिए। आचार संहिता लग जाएगी फिर कब लगेगी? आचार संहिता लग जाएगी तो उस तो पहले ही करेंगे हम। लगोगे? यस। तो ये थी सोनू किन्नर गांव खरकड़ा से, और मुझे भी अचरज सा हुआ जब एकदम से ये सामने आई है, इनका फोन आया है, मैंने आकर इनका इंटरव्यू किया कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, लोकसभा में भी लड़ेंगे और विधानसभा में भी लड़ेंगे, जहां भी मौका ला गया छोड़ेंगे नहीं। कभी पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा बताओ हो, सरपंच वगैरह का? छोटा इलेक्शन नहीं, सरपंच का नहीं लड़ा मैं, एक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रही हूँ। किसका? इनकलाबी का दल पार्टी का। ये कौन सी पार्टी है? ये नई पार्टी थी, MP से है, चौधरी नाथुराम जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो भाई ये थी सोनू किन्नर गांव खरकड़ा से, और इन्होंने आके बताया कि ये इलेक्शन लड़ेंगे और तैयारी में हैं, और पुनर्जोर तैयारी में हैं, और इनने बांध लिया मंडासा सर पर, रुकने वाले नहीं है। राम राम करो हमारे दर्शकों जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार भाई, राम राम सारे भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।